स्वाध्याय 1.2 प्रश्न 6 ए इज इक्वल टू 1 2 3 बी इज इक्वल टू 4 5 6 7 छे अने विधेय एफ ए टेल्स टू बी एफ इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6 द्वारा व्याख्यायित छे साबित करो कि एफ एक केक छे। हवे अपन अहीं अपने गण ए ना घटकों अने गण बी ना घटकों आपेला छे तथा एफ ए टेन्स टू बी छे अने एफ में समावेश थती क्रमयुक्त जोड़ो पण आपेली छे अने आपणे साबित करवानुं छे कि आ विधेय एफ ए एक एक विधेय छे। हवे आपणे अत्यार सुधी जेटला पण दाखला गणना बराबर एनी अंडर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेर के महत्तम पूर्णांक एक्स के मानांक में एक्स के पछी एक्स स्क्वेर प्लस वन ए रीते आपणे एफ एक्स ने व्याख्यायित करता था बराबर परंतु अहीं आपणने एफनी अंडर समावेश थती क्रमयुक्त जोड़ो आपेली छे बराबर अने आपणे साबित करवानुं छे के विधेय एफ ए एक एक विधेय छे बराबर। तो आ आपणे डायग्रामनी मदद साबित करिए बराबर। तो अहीं गण ए ना घटको छे 1 2 3 अने गण बी ना घटको छे 4 5 6 7 अने विधेय एफ ए टेन्स टू बी छे बराबर एटले अहीं आपणे लखीए एफ ए टेन्स टू बी। हवे अहीं जोशो तो गण ए ना घटक 1 नुं प्रतिबिंब 4 छे कारण के 1 4 ए क्रमयुक्त जोड 1 4 ए विधेय एफ नी अंडर आवेली छे एटले 1 नुं प्रतिबिंब 4 छे। एज रीते घटक 2 नुं प्रतिबिंब 5 छे अने घटक 3 नुं प्रतिबिंब 6 छे बराबर। હવે અહીં તમે જોઈ શકો છો કે ગણ એના પ્રત્યેક ઘટકને અનન્ય પ્રતિબિંબ છે બરાબર એક જ પ્રતિબિંબ છે એક કરતાં વધારે નથી એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ વિધેય એફ એ એક એક વિધેય છે બરાબર। એટલે કે અહીં ગણ એના પ્રત્યેક ઘટકને અનન્ય પ્રતિબિંબ છે માટે એફ એ એક એક વિધેય છે